गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चैप्टर नेम इज द किंग्स वाइट एलिफेंट, राजा का सफ़ेद हाथी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ 80,000 एलिफेंट्स एट द बॉटम ऑफ द मैजेस्टिक हिमालय। 8,000 हाथियों का एक समूह हिमालय के नीचे रहता था। देयर लीडर वॉज अ मैजेस्टिक वाइट एलिफेंट, उनका जो लीडर था वो एक सफ़ेद हाथी था। हु वॉज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड, जो क्या था बहुत ही एक्सट्रीमली मीन्स होता है बेटा अत्यधिक, बहुत ही दयालु था। ही डियरली लव्ड हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड मदर, वह अपनी बूढ़ी और अंधी माँ को बहुत प्यार करता था। एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ हर, और उसकी अच्छे से देखभाल करता था। ईच डे, प्रत्येक दिन, द वाइट एलिफेंट वुड गो डीप इन टू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ द बेस्ट ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स टू ऑफर हिज मदर। और वो प्रत्येक दिन क्या करता था, घने जंगल में अपनी माँ को देने के लिए फ्रूट्स, अपनी माँ को देने के लिए फ्रूट्स खोजने के लिए जाता था, जंगल में फ्रूट्स खोजने के लिए जाया करता था। He used to send fruits for his mother through his messengers. वह अपनी माँ के लिए जो फ्रूट्स भेजता था वो अपने संदेशवाहकों द्वारा भेजता था, मतलब जो संदेश वगैरह देते हैं उनके अंडर में जो वर्क करते हैं उनके द्वारा भेजता था अपनी माँ के लिए। बट लेकिन द मैसेंजर्स वर अ हर्ड ऑफ ग्रीडी एलिफेंट, जो मैसेंजर्स थे सारे हाथी थे उसके, वो क्या थे, बहुत ही लालची थे। दे यूज़ टू ईट द फ्रूट्स themselves, वह जो भेजा करता था फ्रूट्स को वो खुद ही खा जाया करते थे। एंड नेवर गेव एनी थिंग टू द वाइट एलिफेंट्स ओल्ड मदर, और वो कभी भी उसकी बूढ़ी माँ को कुछ भी नहीं देते थे, वो खुद ही खा जाया करते। द वाइट एलिफेंट वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड विद हिज हर्ड, जो वाइट एलिफेंट था इससे क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुआ इस चीज़ से। देन तब वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू अबंडन द हर्ड एंड गो विद हिज मदर टू माउंट कैंड्रेना टू लिव इन अ कैव बिसाइड अ ब्यूटिफुल लेक दैट हैड लवली पिंक लोटसेस। तो उसके बाद क्या किया, उसने जो वाइट एलिफेंट था उसने उसको छोड़ने का, जो हर्ड था झुंड था उसको छोड़ने का निश्चय कर लिया, और अपनी माँ को वहाँ से अपनी माँ के साथ छोड़ने का निश्चय कर लिया। और वहाँ कहाँ जाता है, एक सुंदर सी लेक, झील के बगल में एक गुफा थी, वहाँ रहने के लिए वो चले जाते हैं। इट सो हैपेंड दैट वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ फॉरेस्टर फ्रॉम बनारस लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट एंड वाज एब्सोल्युटली टेरिफाइड टू फाइंड हिमसेल्फ अलोन इन द थिक वुड्स। तो एक दिन क्या हुआ, जो फॉरेस्टर मतलब होता है वन रक्षक, जो वन की देखभाल करते हैं उन्हें हम फॉरेस्टर बोलते हैं, तो वो अपना रास्ता भटक जाता है घने जंगल का उसने रास्ता खो दिया, वो भटक जाता है और वो एब्सोल्युटली टेरिफाइड, वो बहुत डर गया टू फाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को पाकर अलोन, अकेला, इन द थिक वुड, घने जंगल में अपने आप को अकेला पाकर वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। ही वॉज वीपिंग बिटरली एंड डिस्पैरेटली लुकिंग टू फाइंड सम हेल्प, और वह क्या करता है, वह रोने लगता है तेज़ी से, बिटरली दुखी होकर, और वह किसी को देखता है, खोजता है कि कोई मेरी हेल्प करने के लिए दिख जाए। द वाइट एलिफेंट टुक पिटी ऑन द मैन एंड प्रॉमिस्ड टू हेल्प हिम, तो जो वाइट एलिफेंट था उसको दया आ जाती है उस मैन पर दया आ जाती है फॉरेस्टर पर, और उसने अपने आप से वादा किया कि वह उसकी हेल्प करेगा। ही न्यू एवरी इंच ऑफ दैट डेंस फॉरेस्ट, और ही न्यू मतलब उसको तो पता था, मतलब जो जंगल था उसकी एक एक जगह पता थी उसको कि कहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। सो शोड हिम, और उसे दिखाया द वे आउट टू बनारस सिटी, और बनारस सिटी से बाहर जाने के लिए उसको रास्ता दिखा दिया। द फॉरेस्टर थैंक्ड द वाइट एलिफेंट एंड हैप्पीली वेंट होम, जो फॉरेस्टर था वो उसने उसको वाइट एलिफेंट को धन्यवाद दिया और उसके बाद वो खुशी खुशी घर चला गया। देन आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद द फॉरेस्टर गॉट टू हियर द न्यूज़ दैट
किंग ब्रह्मदत्त पर्सनल एलिफेंट हैड डाइड एंड ही वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू एलिफेंट। तो जो फॉरेस्टर था उसने सुना कि जो राजा राजा ब्रह्मदत्त हैं उनका जो हाथी था वो क्या हो गया, मर गया था, और वो किसी नए नए एलिफेंट को देख रहे हैं कि कोई एलिफेंट मिल जाए। तो फॉरेस्टर ने सोचा, जो वनरक्षक था जिसकी उसने सफ़ेद हाथी ने जिसको रास्ता दिखाया था, उसने सोचा दैट कि इफ़ ही टोल्ड द किंग अबाउट द मैजेस्टिक वाइट एलिफेंट, यदि वह राजा को मैजेस्टिक वाइट एलिफेंट के बारे में बताएगा, दैट कि ही हैड सीन ऑन माउंट कैंड्रेना, जो कि मैंने वहाँ पर देखा था जंगल में माउंट कैंड्रेना पर, ही वुड सर्टेनली गेट अ रिवार्ड। तो वो क्या होगा उसको, मतलब इस तरीके से क्या होगा उसको, एक एक प्रकार से गिफ्ट देगा। सो इसीलिए ही वेंट एंड टोल्ड द किंग, वह गया और उसने राजा को बताया अबाउट द वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी के बारे में। द किंग डिसाइडेड टू गो इन द सर्च ऑफ दैट वाइट एलिफेंट एंड वेरी नेक्स्ट डे, उसी के अगले दिन राजा ने डिसाइड कर लिया वहाँ उसको खोजने के लिए, सफ़ेद हाथी को देखने के लिए, खोजने के लिए अगले दिन उसने डिसाइड किया। द फॉरेस्टर देन लेट द किंग एंड हिज मैन टू द प्लेस वेयर द वाइट एलिफेंट लिव्ड। जो फॉरेस्टर था वो राजा को वहीं लेके गया जहाँ पे उसने वाइट एलिफेंट को देखा था। वैन द वाइट एलिफेंट सो द फॉरेस्टर, जब सफ़ेद हाथी ने वनरक्षक को देखा, फॉरेस्टर को देखा, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, उसने रियलाइज्ड कर लिया दैट कि इट वॉज ही हु हैड लेड द किंग्स मैन टू हिम, यह वही है जो राजा को यहाँ पे लेके आया है। ही वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ एट द मैन सेल्फनेस एंड इन ग्रेटिट्यूड, उसके व्यवहार को देखकर और उसकी सेल्फनेसता को देखकर वह बहुत ही अपसेट हो जाता, दुखी हो जाता। वो ये सोचता है कि ये कितना सेल्फनेस है, मैंने इसको रास्ता दिखाया था, मैंने इसकी हेल्प की, फिर भी ये क्या कर रहा है यहाँ पर, मुझे पकड़वाने के लिए ले आया। मतलब वो तो उसको गिफ्ट, ये सोचता है कि इसको अच्छे से देखभाल होती रहेगी इसलिए बताता है। तो उसके बाद ही डिसाइडेड नॉट टू पुट अप अ फाइट बिकॉज इट वुड हैव लेड टू, जो राजा था जो हाथी था उसने डिसाइड किया कि वह क्या नहीं करेगा, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा और अननेसेसरी शो। इसीलिए द वाइट एलिफेंट वेंट अलोंग विद द किंग एंड हिज मैन टू द बनारस सिटी। तो जो वाइट एलिफेंट होता है वो उनके साथ चला जाता है और जो व्यक्ति था उसके साथ ही बनारस सिटी के लिए। दैट नाइट, उसी रात, व्हेन द वाइट एलिफेंट डिड नॉट रिटर्न होम, जब वाइट सफ़ेद हाथी जो था वो वापस उस रात वापस नहीं आया, हिज मदर वाज वेरी वरीड, जो उसकी माँ थी अंधी और बूढ़ी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुई। शी हैड हियर ऑल द कॉमोशंस आउटसाइड, उसने बाहर की साइड, आउटसाइड मतलब बाहर के कॉमोशन होता है बेटा शोर शराबा, तो उसने बाहर की साइड गुफा के बाहर उसने शोर शराबा सुना। एंड हैड गेस्ड दैट द किंग्स मैन मस्ट हैव टेकन अवे हिज सन, तो उसको ये गैस हो जाता है, वो पता कर ले, उससे महसूस होता है कि जो राजा के आदमी हैं वो उसकी बेटी को ले गए हैं। सी जस्ट ले डाउन इन द हिज कैब एंड क्राइड बिटरली, वह तुरंत ही वहाँ गिर जाती है और बहुत तेज़ी तेज़ी से रोने लगती है। Meanwhile, जबकि द वाइट एलिफेंट वॉज लेड इन टू द ब्यूटिफुल सिटी और बनारस, वेयर ही वॉज गिवन अ ग्रांड रिसेप्शन इन द रॉयल एलिफेंट शेड। तो जो वाइट एलिफेंट था वो तो उसको तो एक बनारस सुंदर सी बनारस सिटी में ले जाएगा जहाँ पर उसको एक ग्रांड रिसेप्शन, मतलब उसका बहुत अच्छे से स्वागत, वेलकम किया गया रॉयल एलिफेंट शेड में। एंड द कीपर्स हैड लेड आउट ऑफ फीस्ट फॉर हिम, और जो कीपर्स थे वो उसके लिए भोजन लाते हैं। एंड डेकोरेटेड द स्टेबल विद फ्रेगरेंट फ्लावर्स, और उसको बहुत अच्छे से उसके स्टेबल को मतलब डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट किया। बट लेकिन द वाइट एलिफेंट नीदर टस्ड द फूड नॉ सीम टू बी इम्प्रेस्ड विद द ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल सेड। तो जो वाइट एलिफेंट था वो तो दुखी था कि उसकी माँ अकेली रह गई है वहाँ पर जंगल में कैब में, तो उसको खाना कौन देगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन जो उसको इतने अच्छे से रिसेप्शन वेलकम हुआ, उसको भोजन दिया गया, लेकिन वो उसने क्या नहीं किया, ना तो भोजन को टच किया और ना ही वो बिल्कुल भी इतना अच्छा रिसेप्शन के बाद भी, और इतना सब कुछ
देने के बाद भी वो क्या नहीं होता है, इम्प्रेस्ड नहीं होता है, खुश नहीं हुआ, ही जस्ट सैट देयर, वह बिल्कुल जैसे कि जस्ट सैट देयर, वह वैसे ही बैठा रहा विद अ सैड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, अपने फेस पर दुखी वाला एक्सप्रेशन लेकर वह चुपचाप बैठा रहा। द मैटर वाज रिपोर्टेड टू द किंग, यह जो बात थी वो राजा को दी गई, राजा को बताया गया। द किंग केम टू विजिट द वाइट एलिफेंट, जो राजा था वो सफ़ेद हाथी को देखने आया, एंड फाइंड आउट वाट एल्ड हिम, तो उसको क्या हुआ है वो उसने पता करना चाहा। ऑन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग करने पर द वाइट एलिफेंट टोल्ड द किंग, वाइट एलिफेंट ने राजा को बताया अबाउट हिज ब्लाइंड एंड ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी अंधी माँ के बारे में बताया राजा को। ही एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू गो बैक टू हर, एज इन हिज एब्सेंस ही वुड नॉट बी एबल टू सर्टेन हिमसेल्फ एंड डाई, तो उसने एक्सप्रेस किया, बताया कि वह वापस जाना चाहता है उसके पास उसकी अनुपस्थिति में, क्योंकि वो तो यहाँ है, उसकी अनुपस्थिति में वापस आना चाहता है, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं होऊँगा तो क्या होगा, वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती, वो मर जाएगी। द कंपासियोनेट किंग वॉज टस्ट बाय द एलिफेंट्स स्टोरी, जो कंपासियोनेट होता है बेटा काइंड हार्टेड, जिसको बहुत जल्दी दया आ जाए, राजा भी बहुत ही दयालु था, तो उसको हाथी की स्टोरी जो बताई उसने अपने बारे में, तो उसको दया आ जाती है, एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू हिज ब्लाइंड, और उसने उसको अपनी बूढ़ी और अंधी माँ की केयर के लिए उसको क्या करता है, वो वापस भेजने के लिए रेडी हो जाता है, कौन, राजा। टेक केयर ऑफ हर एज ही हैड बीन डूइंग ऑल अलोंग, तो वो क्या कहता है कि आप अपनी बूढ़ी, जो राजा था वो उसको अपनी बूढ़ी और अंधी माँ के लिए वापस आने के लिए एग्री कर देता है, सहमति दे देता है। द हैप्पी एलिफेंट वेंट होम रनिंग एट फास्ट एज ही कुड, जो एलिफेंट था वाइट एलिफेंट था वो बहुत ही खुशी खुशी क्या करता है, हैप्पी हो जाता है पहले तो, और वह अपने घर की ओर दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ता है जितनी जल्दी वो हो सके। हिज मदर कुड इमिडिएटली रिकोगनाइज द सेंट ऑफ हर सन, और जो उसकी माँ थी वो अपने बेटे की खुशबू को पहचान जाती है तुरंत, एंड वॉज ओवरजॉयड टू हैव हिम बैक, और वह बहुत खुश होती है उसके वापस आने पर। सी ब्लेस्ड द किंग उस विद पीस प्रॉस्पैरिटी एंड जॉय टिल द एंड ऑफ हिज डे, तो उसने क्या किया, जो वाइट एलिफेंट की माँ थी उसने राजा को आशीर्वाद दिया कि वो शांति से समृद्धि मतलब प्रॉस्पैरिटी और खुशी से जब तक वह जिए जब तक उसकी लाइफ जब तक खुशी से रहे आशीर्वाद देती है उसकी माँ। द वाइट एलिफेंट टुक गुड केयर ऑफ हिज मदर टिल द डे शी डाइड, तो वाइट एलिफेंट होता है वो उसकी अपनी माँ की बहुत अच्छे से केयर करता है जब तक वह मरती नहीं है, मतलब जब तक वो मर नहीं जाती जब तक वो बहुत अच्छे से केयर करता है। द किंग ऑफ्टन यूज टू कम, और जो राजा था वो कभी कभी आ जाया करता था, एंड विजिट हिम इन द फॉरेस्ट, उसको देखने के लिए जंगल में। एंड वेन द वाइट एलिफेंट डाइड, जब सफ़ेद हाथी मर गया मर जाता है, द किंग इरेक्टेड अ स्टैचू ऑफ हिम बाय द साइड ऑफ द लेक एंड हेल्ड एन एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल देयर इन द हिज मेमोरी, तो जो वाइट एलिफेंट जो राजा था वो उसको देखने के लिए आ जाया करता था, क्योंकि वो तो पहचान राजा को जानने लगा था, तो जब वो मर जाता है सफ़ेद हाथी भी, तो उसकी एक मूर्ति बनवाता है, स्टैचू मतलब मूर्ति, मूर्ति बनवाता है उसी लेक के साइड में, और हर वर्ष प्रत्येक ईयर एक एनुअल एलिफेंट फेस्टिवल रखता है उसकी याद के लिए, सफ़ेद हाथी की याद के लिए एक एनुअल फेस्टिवल होता है।